नमस्ते। तो कैसे हैं आप सर? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम चेक करने वाले हैं बॉलीवुड छापा फैक्ट्री, जिसको सजेस्ट किया है हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, जिनका नाम है मिस्टर कूलमैन, एनके गेमिंग एफएफ, अरमान खवाद, अब्दुल वाहब अजहर और अरिशफा खान ने। तो विदाउट डिले टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कॉपी है। वाओ, ये कैसे यार? मतलब ये गाना कॉपी है, इसको इस पे कितना सारे लोग इंजॉय करते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें नया वाला अच्छा लगा कि पुराना वाला? ऑफ कोर्स नया वाला। आप लोग भी सच बताना गाइस, आपको भी नया वाला अच्छा लगा ना? आप इतने नए वाले को एंजॉय कर सकते हो, उतना पुराने वाले को नहीं। मानते ये कॉपी है, कॉपी सॉन्ग है, लेकिन मतलब जड़ तो पाकिस्तान ने दिया, बट मजा तो बॉलीवुड ने उसको मिर्च मसाला डालकर बनाया। लेकिन ये कॉपी सॉन्ग है। हाँ, एक कॉपी सॉन्ग है। आ देते हैं दूसरा कौन सा है। ये भी है कॉपी। ये भी सॉन्ग मतलब ये ट्यून मैचिंग है, बट वर्ड्स चेंज है। हाँ, तो मतलब ये कॉपी लिरिक्स चेंज है। लिरिक्स चेंज है, कॉपी तो है ना? हाँ, कॉपी है, कॉपी। ये शायद 1980 का सॉन्ग है। अच्छा, और ये तो हाल फिलहाल का नहीं, ये सॉन्ग है, ये सड़क टू से लिया गया है, और सड़क टू जो है इससे लिया गया। नहीं नहीं नहीं, मतलब बोल रहे हैं ये सड़क से लिया गया, 1991 का सड़क। आई नो, एक मिनट, कौन सा? 1991 का सड़क, ये 1990 का सॉन्ग है, ये पुराना जो वर्ल्ड वाला है पाकिस्तानी। हाँ, 1990 या 1980, यानी कि पहले बॉलीवुड ने दिया था और फिर? नहीं नहीं, पहले इसने ही दिया था। अच्छा। बॉलीवुड ने कॉपी मारा फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद बॉलीवुड ने कॉपी मारा सेकेंड। अच्छा, मतलब न्यू वर्जन। हाँ, आ देते तीसरा कौन सा, ये कौन सा सॉन्ग है? जानते भी नहीं, ये पॉपुलर भी नहीं है। गाइस, हम नहीं सुना, मैं नहीं सुनाएंगे। नहीं आती होती है। इसे मैंने कहीं देखा है। मैंने भी देखा, पाकिस्तानी है। ओ, मेरे ब्रदर की दुल्हन नहीं था ना? की दुल्हन, यस, ये पाकिस्तानी एक्टर है। ये इसका नाम क्या है? बॉलीवुड में इसने बहुत काम किया है, और काम किया है इसने। नाम क्या है? पता नहीं, नाम मुझे नहीं याद। तेरी ये भी मतलब ये सॉन्ग तो मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन इस एक्टर को मैं जानता हूँ। ये सॉन्ग अच्छा लगा। इसने बहुत सारी मूवी में काम किया है, लेकिन नाम नहीं पता सर। मुझे भी नाम पता था, मुझे पता है। कॉपी है, ये तो काफी इंडियन फेमस है। ये फेमस था, है ले। अभी बनता है रिंग्स से। कब का है ये यार? दिल को मर के इसके लग रहे हैं। ये सुपर था पाकिस्तान में। ये मतलब ये कहा जा सकता है कि मस्त सॉन्ग है, क्योंकि काफी फेमस है। और ऊपर से ये सॉन्ग बहुत ज्यादा इंडिया में पॉपुलर, अभी तक इस पे इंस्टा रील्स बनते हैं, और मतलब इतना उस जमाने में इतना सही सॉन्ग था पाकिस्तान में। ये सही था, एक्सीलेंट। और देखते हैं नया सॉन्ग कौन सा है। उस अंक में पहली वस्तु मैं सुन चुकी हूँ। काफी मतलब काफी है। नहीं गाइस, नहीं नहीं, ये जो है ये कॉपी सॉन्ग नहीं है भाई, उसकी पूछ देख। Once more play, खत्म हो गया।
क्या बोल रहे हैं? तो सुन लो, ये बोल क्या रहा था लास्ट में? लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, वो लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे। लेकिन गाइस मैं आपको ये फैक्ट डाल दूंगा, ये अभी मैं फैक्ट डाल दूंगा यहाँ पर कि ये जो सॉन्ग है ये कॉपी नहीं मुनीर बदनाम हुई, ये जो सॉन्ग इस सॉन्ग के बारे में मुझे पहले से ही पता है। अच्छा, इस सॉन्ग को इंडिया के ही भोजपुरी इंडस्ट्री से लिए गए, जिसका नाम है लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए। लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, हाँ लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, जो कि 1980 का सॉन्ग है। 1980 का, हाँ। अगर आप गाइस ये सर्च करोगे ये सॉन्ग कब का है तो आपको खुद पता चलेगा कि ये सॉन्ग जो है 1991 का है। ये जो सॉन्ग क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है? मुन्नी बदनाम हुआ नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, ये सॉन्ग है 1991 का। तो आप कह सकते हो कि 1980 का जो सॉन्ग है ये लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, उससे ये पाकिस्तानी सॉन्ग कॉपी करके बना है, या हाँ कह सकते हो आप। और फिर उस सॉन्ग से ही जो लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, उससे ही दबंग 3 का सॉन्ग बना है। ये आप वो इंटरव्यू भी देख सकते हो जिसमें सलमान खान ने खुद कहा है ये बात। मैंने देखा है। अच्छा, तो इस सॉन्ग के बारे में, ये सॉन्ग कॉपी नहीं है पाकिस्तान का। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो दो सॉन्ग है ये कॉपी नहीं पाकिस्तान के, जैसे आप सबके पास। हाँ, मतलब कौन सा सॉन्ग पहले आया है आप सर्च कर लो, पता चल जाएगा कि हाँ छापा है या नहीं है। आप, मैं यहाँ खुद फैक्ट डालूंगा। मतलब कि एक मिनट, मतलब कि ये जो कौन सा लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए ये सॉन्ग लिया गया है पहले ये इस सॉन्ग को भोजपुरी इंडस्ट्री से लिया गया है। ये सॉन्ग को बनाया गया भोजपुरी इंडस्ट्री में, पहले बनाया 1980 में भोजपुरी इंडस्ट्री ने बनाया है। और ये लड़का बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए हसीना तेरे लिए, ये फिर मतलब पाकिस्तानियों ने लिया, ये पाकिस्तानियों ने लिया या पाकिस्तानियों ने बनाया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले जो सॉन्ग था ये लौंडा बदनाम हुआ जो कि जो मैच करता है। तो आप कह सकते हो भोजपुरी इंडस्ट्री से, इंडिया में भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें से लिया गया। तो आप कह सकते हो कि जो 1991 का सॉन्ग था ये जो गा रहे हैं सिंगर, इन्होंने ही कॉपी किया है इंडिया से। देन इंडिया ने फिर इसी सॉन्ग को, इस सॉन्ग से नहीं, उस सॉन्ग से 1980 के सॉन्ग से, उस सॉन्ग से उस सॉन्ग को और मतलब मिर्च मसाला डाल के उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। मुन्नी बदनाम हुई है। ये तो काफी पॉपुलर हुआ था जब 2010 में ये मूवी रिलीज हुई थी। 2010 की 9 10 दबंग तो 10 में रिलीज हुआ ना, यार 10 में हुआ था रिलीज, तो काफी पॉपुलर हुआ था उस टाइम। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम, बहुत छोटे छोटे थे। तो गाइस मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको फैक्ट डालूंगा, आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो। और हाँ, ये भी है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री यानी लॉलीवुड ने ये अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये तो काफी इंटरेस्टिंग, ये काफी हिट सॉन्ग थे, मुझे पसंद है। मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये सॉन्ग पाकिस्तान इंडस्ट्री है, मतलब पाकिस्तान इंडस्ट्री से काफी बेस्ट है। हम लोग सुने तो सॉफ्ट हो गए। और ये भी है कुंडी ना खड़काओ सोनिया, ये और अजय का भी मस्ती, मतलब पाकिस्तान में लॉलीवुड इंडस्ट्री, हाँ लॉलीवुड इंडस्ट्री यानी पाकिस्तान में जो है इंडस्ट्री है, जो इसमें मतलब ये सारे सॉन्ग दिए हैं, बट बॉलीवुड उसको कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर फिर सबके सामने। आप भी सफल था ना, आप लोगों ने न्यू वाले पे ज्यादा एंजॉय किया है फिर ओल्ड वाले पे? मैं तो ओल्ड वाले मतलब मैंने आज तक सुना ही नहीं था, जो भी है न्यू वाले पे मैंने सुना था जो कि बॉलीवुड ने दिया है। नहीं, एंजॉय तो सबने न्यू वाले पे किया, न्यू वाले पे ही किया, लेकिन ये कॉपी था, कॉपी था, मतलब जड़ मतलब पाकिस्तान से, मतलब ये सॉन्ग जो भी है अगर तुम मिल जाओ या फिर मुन्नी बदनाम हुई, नहीं मुन्नी बदनाम हुआ का नहीं है, वहाँ का नहीं, वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री का है। और भी था ना कुंडी मत खड़काओ वो वाला भी, तो वो सभी सॉन्ग मतलब इंडिया में काफी पॉपुलर हैं और इस पे लोग बहुत सारे एंजॉय करते हैं, इंस्टा रील्स भी बनते हैं। तो मतलब पाकिस्तान एक तरह, एक वर्ड में बोला जाए तो पाकिस्तान के जो भी है, पाकिस्तान का जो हुनर है मतलब बॉलीवुड ने मतलब निखार दिया उसको। एक वर्ड में यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज कुछ ज्यादा ही मतलब वो, हाँ वो उसमें भी म्यूजिक है सब कुछ है, बट बॉलीवुड ने उसको और चार चांद लगाकर मतलब सबके सामने डाल दिया। मतलब इंजॉय तो सबने न्यू सॉन्ग को किया ऑफकोर्स, लेकिन मतलब जिसमें से ये जो ये 6 सॉन्ग या 5 सॉन्ग दिखाया है, जिसमें से 4 सॉन्ग की कॉपी है, ऐसी बात है, जो कि मतलब पाकिस्तान से ही मतलब वो इस सॉन्ग की जड़ है, कह सकते रूट है, रूट है पाकिस्तान, और बॉलीवुड ने उसको और अच्छे से मतलब कर दिया, मतलब पानी वानी दे दिया उसको, बड़ा कर दिया। हाँ। वो वाली बात है। इसमें मतलब ये जितने भी सॉन्ग दिखाए उसमें सबसे अच्छा तुमको क्या लगा, मतलब कौन सा? ऑफकोर्स और अच्छा कुंडिन ना खड़का, और मेरे से पूछो
तुमको मुझे पता है अगर तुम मिल जाओ ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच की तरह कि वाओ मतलब पाकिस्तानी इंडस्ट्री से ये सॉन्ग मतलब रूट पाकिस्तान से है, वाओ दैट्स वेरी गुड कि मतलब उतना ओल्ड में भी इतना सारा अच्छा अच्छा सॉन्ग, वाओ बहुत ही अच्छा था मुझे। तो गाइस आप ये बताओ कि मुझे तो ये सॉन्ग आओ राजा काफी पसंद लगा और मुझे अगर तुम मिल जाओ, तो आप बताइए आपको इस सॉन्ग में सबसे बेस्ट कौन सा लगा, आपको जितने भी सॉन्ग्स हैं सबसे अच्छा कौन सा लगा, कौन सा लगा, कौन सा न्यू लगा, कौन सा ओल्ड लगा। यस ओल्ड भी अगर आपको लगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मुझे तो ओल्ड अच्छा लगा भी, अगर तुम मिल मुझे ओल्ड लगा ये अगर तुम मिल जाओ ये काफी अच्छा लगा, और न्यू जो था ये आओ राजा, और न्यू में तो सारे ही अच्छे हैं लेकिन ओल्ड में अगर तुम मिल जाओ मेरे को काफी पसंद आया, क्योंकि उस जमाने की सॉन्ग यस जिसका रूट पाकिस्तान से है। तो आप भी लिखना आपको न्यू में कौन सा अच्छा लगा और आपको ओल्ड में कौन सा अच्छा लगा, हम अपना चॉइस भी बता रहे हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय किया, मतलब हमने इमेजिन नहीं किया था कि ये सारे सॉन्ग्स पाकिस्तान से होंगे, इनका रूट पाकिस्तान से होगा और बॉलीवुड ने इनको और निखार दिया, बहुत अच्छी बात है। ऑफकोर्स न्यू वाले पे सभी लोग इंजॉय करते हैं बट ओल्ड जब तक ओल्ड नहीं रहेगा तब तक न्यू कहां से बनेगा, ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। सो थैंक्स फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो, काफी अच्छा लगा क्योंकि हमें ये पता भी नहीं था कि ये सारे सॉन्ग, ये मतलब बहुत सारे सॉन्ग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनका रूट पाकिस्तान से है। हाँ गाइस, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और ख्याल रखिए अपना और हमारा भी। तब तक के लिए लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर, नमस्ते।